Dear students, class 9th, history chapter 2nd. पिछले वीडियो में मैंने आपको है ना स्टालिनिज्म एंड है ना कलेक्टिवाइजेशन के बारे में बताया था, और अब ये 5th वीडियो के अंदर मैं आपको है ना द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर के बारे में बता रहा हूँ। ये अपना हेडिंग है कि इसमें जो जितने भी जो बाहरी सोशलिस्ट थे, समाजवादी पार्टी के जो लोग थे यूरोप के अंदर, उन्होंने है ना किसी भी जो बोल्शेविक लोग थे उनके साथ है ना अपनी शक्तियों को सिद्ध करना है ना सिद्ध करने की कोशिश नहीं की थी। और इन्होंने जो पॉसिबिलिटी थी ऑफ वीमेंस स्टेट, जो वर्कर्स जो स्टेट थे उनकी संभावनाओं को फायर पीपल्स इमेजिनेशन, लोगों की कल्पना के हवाले कर दिया था अक्रॉस द वर्ल्ड, इस पूरे संसार को, मतलब लोगों की है ना जो इमेजिनेशन थी, जो कल्पनाएं थी, उनको है ना बिल्कुल ही है ना जड़मूल से समाप्त कर दिया था। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टीज थे वो स्थापित हो गई थी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द है ना ग्रेट ब्रिटेन, जैसे ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी। द बोल्शेविक्स एनकरेज द कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, और बोल्शेविक्स ने ना अपने एक्सपेरिमेंट के तहत जो उपनिवेशवादी लोग थे उनको भी प्रोत्साहित किया था। बहुत से जो नॉन रशियंस थे, जो गैर रूसी लोग थे यूएसएसआर के बाहर की तरफ के, उन्होंने भी है ना पार्टिसिपेट इसमें लिया, भाग लिया इन द है ना कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 के अंदर, जो है ना पूर्व के लोगों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी। एंड बोल्शेविक्स फाउंड द कॉमिंटर्न एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, और जो प्रो बोल्शेविक समाजवादी जो पार्टी की जो यूनियन थी अंतर्राष्ट्रीय, उनका भी है ना उनके उनको भी स्थापित किया। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, और पूर्व के अंदर जो है ना कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी यूएसएसआर की, वहाँ है ना बहुत सारे लोगों ने है ना एजुकेशन भी प्राप्त की। तो इस प्रकार से है ना जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में यूएसएसआर के अंदर समाजवाद को है ना एक ग्लोबल फेस, एक विश्वव्यापक धरातल है ना इन्होंने दे दिया। एंड वर्ल्ड सेट ओवर, और है ना पूरे संसार के अंदर ये है ना सेट हो गए, अपना स्ट्रक्चर इन्होंने लोगों के सामने रख दिया। इस प्रकार 1950s तक ये पूरे विद इन द कंट्री, पूरे देश के अंदर द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसएसआर, यूएसएसआर की जो है ना गवर्नमेंट थी वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडल्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशंस, तो वो इस प्रकार की जो रूसी जो क्रांति थी उसके विचारों को है ना वो नहीं रख सकी। और वर्ल्ड सोशलिस्ट, जो संसार के जो समाजवादी जो मूवमेंट था, टू वाज रिकॉग्नाइज, और वो इस बात को के लिए अस्तित्व में आया कि ऑल इन द सोवियत यूनियन, कि इस प्रकार से सारे ना सोवियत संघ के रूप में ये है ना अच्छी तरह से संगठित हो नहीं हुआ था। एक बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर, और इस प्रकार से एक है ना जो बैकवर्ड कंट्री था वो एक महान शक्ति के रूप में ये उदय हुआ। इट्स इंडस्ट्रीज, इसकी जो उद्योग थे, इनके जो एग्रीकल्चर थे वो डेवलप्ड, वो विकसित होते चले गए। एंड द पुअर वर बीइंग फेड, और है ना गरीब है ना वो और भी ज़्यादा है ना गरीब होते चले गए। बट इट हैड डिनाइड, लेकिन इस बात के लिए मना कर दिया गया कि एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स, इसके जो नागरिक थे उनको है ना आवश्यक जो स्वतंत्रताएं थी उनसे वंचित कर दिया गया। एंड कैरीड आउट इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और केवल उनको है ना एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रूप में ना आगे बढ़ाते चले गए। रिप्रेसिव पॉलिसीज अपनी है ना इस प्रकार की जो नीतियों के तहत, और अंत में जो 20वीं शताब्दी के अंदर द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर, यूएसएसआर की जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेपुटेशन थी एज ए सोशलिस्ट कंट्री, एक समाजवादी देश के रूप में ना इसकी रेपुटेशन बनी। एंड डिक्लाइन थ्रू इट वाज रिकॉग्नाइज दैट रिकॉर्ड्स आइडल्स, और है ना इन्होंने है ना
धीरे धीरे इनकी जो पहचान थी वो डिक्लाइन डिक्लाइंड कम होती चली गई, इनके जो आदर्श थे वो नष्ट होते चले गए, और स्टिल एंजॉयड रेस्पेक्ट अमंग्स पीपल, और इनके बीच में जो सम्मान था उसको इन्हें ये अभी भी आनंद के रूप में इन्हें रखने लगे। बट इन ईच कंट्री, लेकिन प्रत्येक देश के अंदर द आइडियाज ऑफ द सोशलिज्म, इस प्रकार समाजवाद के जो विचार थे बर रेक्ट हॉट इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, कई तरीक़ों से यानी ये परेशान करने वाले सिद्ध हुए। इस प्रकार से यानी ये आपका ये चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इसमें द रशियन रिवॉल्यूशन इंडिया, भारत के अंदर जो रूसी क्रांति है ना उसका क्या प्रभाव हुआ वो इसके अंदर बता रहा है, और इन इंडियन एराइव जो सोवियत रूस इन 1920 और 1920 के अंदर सोवियत रूस के अंदर है ना ये कैसे भारत में आ पहुंचता है। रविन्द्रनाथ टैगोर रोड फ्रॉम द रसिया इन 1930 और 1930 के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसके बारे में लिखा था कि मॉस्को अपेक्स मच लेस क्लीन देन द अदर यूरोपियन कैपिटल्स, कि जितनी भी जो यूरोपियन कैपिटल्स थी उनकी वजह है ना मॉस्को है ना बहुत ज़्यादा है ना स्वच्छ कम स्वच्छ दिखाई देती है, ऐसे इसके विचार थे। इस प्रकार ये आपका चैप्टर है ना समाप्त हो रहा है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर के रूप में जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्टिविटीज़ तो आपको करनी नहीं है, तो खुद की मतलब ये इनको तो समझ नहीं है। इसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सिक्स, इन क्वेश्चंस को है ना आप मैं इनको भेज रहा हूँ इनके आंसर्स, और आप इनको नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रसिया बिफोर 1905, 1905 से पहले रूस के अंदर जो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में है ना लिखना है उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इन व्हाट वेज वाज द है ना वर्किंग पॉपुलेशन इन रसिया, रूस के अंदर जो काम करने वाली जो जनसंख्या थी वो किस तरीके से डिफरेंट थी फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में मतलब दूसरे देशों के अंदर है ना कैसी थी यूरोप के अंदर बिफोर 1970, 1917 से पहले। और वाई डिड द है ना तीसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड द जारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1970, 1917 के अंदर जो जारिस्ट की जो ऑटोक्रेसी थी सामंतवादी व्यवस्था थी वो है ना किस प्रकार से है ना जाम कर दी गई, 1917 के अंदर नष्ट कर दी गई। और मेक टू लिस्ट, ये दो लिस्ट बनानी है कि वन विद द मेन इवेंट्स, मुख्य मुख्य जो घटनाएं कौन सी हुई थी फरवरी रिवॉल्यूशन के अंदर, फरवरी क्रांति के अंदर, एंड अदर विल द है ना मेन इवेंट्स, और दूसरी जो मुख्य जो घटनाएं थी इफेक्ट्स ऑफ द है ना अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो ये है ना इन घटनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है, आप इनको है ना नोट कर लें। व्हाट वर द मेन चेंजेस, पांचवा क्वेश्चन है कि कौन कौन से परिवर्तन हुए थे ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद में बोल्शेविक के अंदर जो आवश्यक जितने भी चेंजिंग हुए थे उनके बारे में। और ये इसके ऊपर नोट्स हैं, ये एक तो कुलकाश, एक है ड्यूमा, और एक है वीमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930, और लिबरल्स क्या थे, और स्टालिन्स कलेक्टिव प्रोग्राम क्या था, इसके बारे में छोटी छोटी है ना टिप्पणी लिखी गई है, मुझे उनको नोट कर लें।